वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ प्रोग्रामिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बहुत लगभग 3 महीना 4 महीना हो गया मैंने इसको बनाया है। तो इसका नाम है आपका डार्क मैजिक अल्टीमेट 10+ सब्लिमेशन प्रिंट, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या क्या आएगा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मैं एक ही फोल्डर के अंदर मैं इसको करके रखा हूँ, तो इस फोल्डर को पहले आप जब ओपन करेंगे, जब डाउनलोड कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से आपको फाइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको डार्क मैजिक मॉक PhD मिल जाता है, इसके अंदर आपका 50 मॉक का PhD टेम्पलेट है, और ये आपका सॉफ्टवेयर मिल जाता है, और यहाँ पे आपका डार्क मैजिक अल्टीमेट डेटा फाइल मिल जाता है, और ये जो चारों फाइल है, ये चारों फाइल को आप डाउनलोड करके जब एक फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक ही फाइल को आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका एक फोल्डर के अंदर लगभग 60 PhD वेडिंग टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपको कवर टेम्पलेट भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट मैं इसको इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। तो इसको आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से आपको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको नेक्स्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर जो मांगेगा वो आपको दे देना है। जब आप मुझसे ये परचेस करेंगे तो ही मैं आपको सीरियल नंबर ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया सीरियल नंबर, और इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे नेम आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सोमनाथ फोटोग्राफी लिख दिया, और यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको आई एग्री में क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है दिस सॉफ्टवेयर अपडेट इज नॉट फ्री। इसका जो अपडेट आएगा ये फ्री नहीं है, कुछ पैसा आपको पे करना है, लगभग समथिंग आपको 200-300 रुपये आपको पे करना होगा, उसके बाद आपको अपडेट भी मिल जाएगा अगर इसमें कोई अपडेट आ गया तो, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर लीजिए और इसको इंस्टॉल होने दीजिए, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने में लगभग आपका 10 से 15 मिनट लग सकता है, आपका PC के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का आपका PC का परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ, और इसको आपको फिनिश कर लेना है। फिनिश करने के बाद, और ये सारा चीज मैं खोल के रखा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको मिल जाएगा। तो आपका ये सारा चीज आप किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल डी ड्राइव के अंदर रखा हूँ, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है डार्क मैजिक अल्टीमेट 10 डेटा फाइल, ठीक है। ये आपका टोटल 2GB 200 ऐसा कुछ MB का है, ठीक है। और इसको हम लोग खोलेंगे तो इस तरह से आपको फाइल देखने को मिल जाएगा, क्लिप आर्ट मिल जाएगा, फ्रेम मिल जाएगा, मास्क मिल जाएगा, ओवरले पैक मिल जाएगा, PNG पैक मिल जाएगा, स्काई रिप्लेसमेंट का जो पैक आता है वो मिल जाएगा, स्टूडियो वाला जो बैकग्राउंड आता है वो भी मिल जाएगा, और टाइटल टेक्स्ट जो भी आता है वो भी मिल जाएगा, और वेडिंग जो बैकग्राउंड आता है वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको फाइल देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका 600 आइटम है, और फ्रेम आपका यहाँ पे देख सकते हैं 186 फ्रेम है इसके अंदर, और यहाँ पे आपका मास्क है 200 मास्क यहाँ पे दिया गया है, और ओवरले पैक आपका बहुत सारा है, यहाँ पे बोके ओवरले है, बबल ओवरले, कैंप फायर, डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं PNG पैक आपका बार्ट PNG है, फीलिंग लेवल फायर जो आता है उसका भी PNG है, टेक्स्ट PNG है, वाटर ड्रॉप PNG है, ठीक है। और इसके अंदर स्काई रिप्लेसमेंट के अंदर ब्लू, डार्क, मिक्स, रेन, सनसेट, राइस सभी आपका इसके अंदर मौजूद है। स्टूडियो के अंदर भी आपका डार्क वाला बैकग्राउंड मिल जाएगा, ग्रे वाला बैकग्राउंड मिल जाएगा, व्हाइट वाला बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो मैं आपको इसको कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको मिल जाएगा। ये आपका डेटा फाइल हो गया, और ये आपका डार्क मैजिक मॉक PhD, ठीक है। मॉक PhD के अंदर आपको मिल रहा है 50 मॉक PhD टेम्पलेट, जिसकी मदद से आप बहुत सारा मॉक प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसका जो और भी टेम्पलेट ये फिलहाल बन रहा है, अभी फिलहाल के लिए मैं 50 टेम्पलेट दे रहा हूँ, और जो टेम्पलेट बन रहा है वो भी आपको लिए आप लोगों के लिए फ्री में मैं लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको बहुत सारा PhD टेम्पलेट मिलने वाला है, तो ये मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। और एल्बम वर्क फोल्डर के अंदर आपको मिल जाता है क्रिएट वाला एक फोल्डर मिलेगा, कटआउट वाला फोल्डर मिलेगा, फाइनल वाला मिलेगा, रॉ मिलेगा, फोटो मिलेगा, सेव PhD मिलेगा। और यहाँ पे मैंने खोल के रखा है PhD टेम्पलेट का जो फाइल है, इसके अंदर आपको 56 PhD टेम्पलेट वेडिंग वाला मिल जाता है, ठीक है।
ये सारा चीज मिलने के बाद आप लोग आपको क्या करना है, मैं आपको फोटोशॉप सीसी ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको यूज करना है। ये आपका CS6 में भी चलेगा और फोटोशॉप सीसी में भी चलता है। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस यहाँ पे फोटोशॉप सीसी मैंने ओपन कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसका वर्जन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वर्जन आपका फोटोशॉप सीसी 14 वर्जन, ठीक है। आप CS6 में भी आप यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना होगा, विंडो में आपको जाना है और यहाँ पे अगर आपको एक्सटेंशन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको शो ऑल फाइल आइटम में क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क मैजिक अल्टीमेट 10 CC, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक पैनल खुल जाएगा। ये आने में थोड़ा सा सेकेंड टाइम लेता है, तो इस तरह से आपका पैनल आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो। तो कुछ इस तरह से आपका पैनल दिखाई देगा, इसके अंदर आपका क्या क्या चीज मौजूद है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको फर्स्ट जो पेज है इसके अंदर आपको मिल जाता है इस तरह से ऑटो फिल ऑप्शन मिल जाता है, ऑटोमेटिक एल्बम बनाने का, या फिर आप मॉक टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी सब्लिमेशन टेम्पलेट आप डिजाइन कर सकते हैं इसके मदद से। ओके, और इसके अंदर आपको मिल रहा है और भी, यहाँ पे देखिए PSD टेम्पलेट मेकर, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो PSD टेम्पलेट भी आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मॉक टेम्पलेट यहाँ पे पेज ले सकते हैं 9x24 का पेज आप ले सकते हैं, और A4 साइज कोलाज पेज भी ले सकते हैं, 12x36 का पेज भी आप ले सकते हैं ब्लैंक पेज, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक फ्रेम को क्लिक करके फ्रेम को फिलअप कर सकते हैं, बहुत सारा चीज इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। मैं आपको बारी बारी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज, क्या क्या कैटेगरी मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका दो कैटेगरी हो गया, और यहाँ पे तीसरा कैटेगरी में आता है ऑटो क्रिएशन, ऑटो करेक्शन बोल के लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो कलर करेक्शन आता है ये वाला ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर आपका बैच प्रोसेसिंग जो ऑप्शन आता है, इसके मदद से आप 100 फोटो, 200 फोटो, 1000 फोटो, जितना चाहे फोटो कलर करेक्शन कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा में आता है आपका मेकअप प्रो 5.0, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा इस तरह से शार्पनेस, हेयर कलर, इसे लिप कलर, आईब्रो, आई शेडो, लूज व्हाइट टीथ, ठीक है। इस तरह से आपका मेकअप का पार्ट भी यहाँ पे मौजूद है। ओके, और यहाँ पे आप फिर से आएंगे स्काई रिप्लेसमेंट, इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्काई रिप्लेसमेंट आपको दिखाई देगा, ये बटन दिखाई देगा। चेंज बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका कलर स्काई आपका रिप्लेस होगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे टच करेंगे तो आपको दिखाई देगा स्काई कैसे रिप्लेस होता है। और यहाँ पे आपको ऑयल पेंटिंग का 3 सेट मिल रहा है, 1000 पिक्सल का, 2000 पिक्सल का और 3000 पिक्सल का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका पासपोर्ट मेकर 5, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आप पासपोर्ट बहुत ही आसानी से वन क्लिक में पासपोर्ट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, तो चलिए मैं शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूँ, जितना भी टाइम मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा जाएगा, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, एक टेम्पलेट ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन PSD टेम्पलेट में क्लिक किया तो यहाँ पे आपका PSD टेम्पलेट है, आप यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा मॉक PSD टेम्पलेट इसको खोलना है, तो यहाँ से कोई भी मॉक PSD टेम्पलेट मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट मैं फिल कर लेता हूँ, जैसे ये वाला टेम्पलेट मुझे फिल करना है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया और इस तरह से आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। होने के बाद कैसे आपको फिल करना है बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको एक एक करके नंबर चेंज या फिर आपका फोटो का कोई भी डिस्टेंस आपको अलग से रखना होगा, कॉपी करना होगा, पेस्ट करना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको क्लिक करना है और एक ही बटन के अंदर आपका फोटो फिल, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 फोटो है, ये आपका मास्क जैसा फोटो है और यह इसका फ्रेम के अंदर है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे इसको क्लिक किया और इसको भी क्लिक किया, दोनों फ्रेम को क्लिक किया शिफ्ट को पकड़ के रखते हुए, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटो फिल का बटन है, इसको आपको देखिए यहाँ पे टच करेंगे तो ब्लू कलर का आ जाएगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका 2 फोटो मांगेगा, तो 2 फोटो आप यहाँ से दे देंगे। जैसे मान लीजिए 2 फोटो आपको देना है, तो पहला फोटो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये वाला फोटो मैं दे देता हूँ, और दूसरा फोटो मैं आपको दे देता हूँ, चलिए ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। ये दोनों फोटो मैंने दे दिया और इसको सिंपली आपको ओके कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको ओके कर देना है और ये ऑटोमेटिक आके फिल हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये फिल हो चुका है, इसको आप इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अगर इसका फोटो यहाँ पे, इसका फोटो यहाँ पे स्वाइप करना चाहते हैं तो इस फोटो को क्लिक कीजिए और शिफ्ट को पकड़ के इस फोटो को भी क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए स्वाइप का बटन है, स्वाइप फोटो, इसको क्लिक कर दीजिए, आपका फोटो इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा, ठीक है।
तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से आपका फोटो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपका हो गया है ना मजेदार। तो इस तरह से आपका फोटो फिल करना बहुत ही आसान हो चुका है। और इसको अगर आपको मान लीजिए ये आपका सही लग रहा है, सब कुछ आपका सही लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे सेव का बटन दिया हुआ है, सेव पीएचडी, इसको क्लिक करेंगे तो पीएचडी भी सेव होगा, आपका जेपीईजी भी सेव होगा। ऑटोमेटिक सेव करने का ऑप्शन मैंने दिया क्यों नहीं, कारण जब आप एक फोटो फिल करते हैं वो भी आपका सेव हो जाता है, अगर दो फोटो फिल करेंगे वो भी आपका सेव होने लगता है, तो इसमें प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए आपका पीसी भी स्लो हो जाता है। इसलिए मैंने वो ऑटोमेटिक जो सेव वाला ऑप्शन वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि आपका जो काम है और भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। ठीक है, ये दो फोटो आपका फिल होने के बाद आप देख लीजिएगा इसका ऊपर नीचे कुछ करना है कि नहीं, अगर देख लीजिए सही है तो उसके बाद आपको सेव पीएचडी में आपको सिंपली क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, और ये आपका पीएचडी टेम्पलेट भी बन जाएगा, एक पीएचडी फाइल भी बन जाएगा और आपका जेपीईजी फाइल भी बन जाएगा। तो ये आपका सेव हो चुका है, मैं आपको मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको डी ड्राइव के अंदर आना है और इसके अंदर जाना है और आपका पीएचडी सेव पीएचडी फाइल के अंदर देखिए ये सेव हो चुका है। ठीक है, ये पहले से था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये आपका जेपीईजी है और ये आपका पीएचडी है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जेपीईजी फाइल है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जेपीईजी फाइल खुल जाएगा और इसको जूम करके भी आप देख सकते हैं ये आपका आपका मॉक टेम्पलेट का पीएचडी इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, तो सोचिए आपका वर्डिंग पीएचडी आपका और भी कितना अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, और ये आपका पीएचडी फाइल है। ठीक है, इसको आप बाद में भी आप चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ इधर उधर अगर चेंज करना है तो इसको चेंज भी आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको फिल करना है, तो ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड और चेंज बीजी, ठीक है, इसको अगर क्लिक करेंगे इस तरह से तो आपका बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड रखा हुआ है वो बैकग्राउंड आप खोल लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कुछ चेंज करना है तो यहाँ से कोई भी चेंजेस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड मुझे देना है, इसको ओपन कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आके आपका फिल हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये फिल हो चुका है, तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट कुछ वगैरह ऐड करना है तो आपको यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर टूल है इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है। ठीक है, रखने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड पीएनजी क्लिप आर्ट, इसको क्लिक कर दीजिए तो आपके पास एक पीएनजी फाइल खोलने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप पीएनजी फाइल खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा में जाएंगे तो आप अगर क्लिप आर्ट में जाएंगे तो इस तरह से आप पीएनजी फाइल ऐड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा वाला एक फाइल दे देता हूँ जैसे देखने में बहुत ही अच्छा लगे। इसमें ढेर सारा चीज है, लगभग 500-600 आपका पीएनजी फाइल दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन फाइल है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये वाला मुझे देना है और इसको ओपन कर लेना है और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली बैठा रहना है, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। और सिंपली आपको ये आपका कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट कर सकते हैं, यहाँ पे डार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके, तो देख सकते हो दोस्तों इस तरह से आपका आ गया और मूव टूल पकड़ के आप इसको कहीं पे भी आप रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके फ्रेंड्स, तो ये होने के बाद आप यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्लिप पिक पिक्चर को भी आप फ्लिप कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करके आप फ्लिप पिक्चर को क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपका उलट जाएगा। ठीक है, अगर आप कैनवास को पूरा कैनवास को आपका अगर क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी आपका हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लिप कैनवास, इसको क्लिक करेंगे पूरा कैनवास से आपका घूम जाएगा। अगर आपको इसको फ्लिप करना है जैसे ये वाला को, तो इसको भी आप फ्लिप कर दीजिए इस तरह से, तो ये भी आपका फ्लिप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। तो आई थिंक बहुत ही इजी टाइप का मैंने इसको बना दिया है। अगर आपको इसको प्रिंट करना है A4 साइज में अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए प्रिपेयरिंग प्रिंट 8x12। ठीक है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो A4 साइज में आपका ये प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन इसका यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप जितने भी चाहे पेज सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं, आप 1, 2, 3, 4 जो चाहे दे सकते हैं। देखिए इसके बाद इसको आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट कैसे करना है आपको पता ही होगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मान लीजिए इसको आपको A4 साइज नहीं A3 साइज में, मतलब 12-18 साइज में आपका मन मुताबिक जो साइज है उसके अंदर आपको पेस्ट करना है, प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर प्रिंट मैनुअल, इसको क्लिक करेंगे तो आपका पेज का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पेज का एक ऑप्शन आ चुका है, आपको इंचेस में कर लेना है कितना इंचेस का पेज देना है। जैसे मैं यहाँ पे 12x18 A3 का पेज का साइज दे रहा हूँ और इसको मैं 300 ही रख रहा हूँ, प्रिंट का साइज आपका 300 हमेशा रहना चाहिए। और इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको कंट्रोल टी दबा के इसको अगर आप रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से आप रोटेट करके इसको किसी भी तरीके से बहुत सारा प्रिंट, इसमें टोटल आपका 6 प्रिंट आउट इसके अंदर से निकल जाता है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको यूज करना है। अगर आपको इसके अंदर कोई फिल्टर इफेक्ट देना है तो इसको क्लिक करके आपको कोई भी, यहाँ पे देखिए 16 फिल्टर यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे मैं एक इफेक्ट क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली इसका कलर देखिए चेंज हो चुका है। इसको अगर कलर चेंज करना है तो ये वाला 6 नंबर वाला दे देता हूँ, इसका देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मान लीजिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो यहाँ पे देखिए एक कलर, एक नंबर कलर का देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अगर मान लीजिए इसको पसंद नहीं तो रिमूव इफेक्ट में क्लिक कर लीजिए। अगर मान लीजिए इस फोटो को आपको कलर चेंज करना है, यहाँ पे टोन दे रहे बहुत सारा टोन है, यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए ये वाला टोन देना है तो इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका टोन चेंज हो जाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इसको रिमूव कर दीजिए, ये रिमूव हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस कलर का टोन देना है तो इस कलर का टोन भी आप दे सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो रिमूव कर दीजिए। अगर मान लीजिए इस कलर का टोन देना है तो ये दे सकते हैं, कोई भी टोन आप दे सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारा टोन है, आप टोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके दे सकते हैं, जो टोन आपको अच्छा लग रहा है वो टोन आप दे सकते हैं। देने के बाद इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन कलर का टोन दे देता हूँ और इस तरह से आपका देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ब्लू कलर का टोन देंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आपको सेव करना है तो इसको आपको सेव PSD में क्लिक करेंगे तो वहां पे जाके आपका PSD और JPEG आपका सेव हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको सभी कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे कन्वर्ट PSD है, ये ऑप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया, और मैं यहाँ पे दूसरा कोई PSD टेम्पलेट आपका ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी PSD टेम्पलेट मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ जैसे किस तरह से आपको करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका PSD टेम्पलेट है, तो कुछ कोई कोई PSD टेम्पलेट आपका मान लीजिए ये आपका सब आपका लॉक रहता है। देखिए यहाँ पे लिंक रहता है, इस तरह से आपका लिंक रहता है। तो आप अगर आप किसी को भी आप मूव करने जाते हैं तो ये इस तरह से कुछ कुछ PSD मार्केट का जो PSD आता है इस तरह से लिंक रहता है। तो अगर मान लीजिए इसको आपको हटाना है तो ये देखिए इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको मार्केट का PSD आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट मार्केट PSD, इसको अगर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो पूरा PSD आपका कन्वर्ट हो जाएगा और सभी आपका जो लिंक है सभी आपका हट जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका पूरा लिंक हट चुका है। अभी आप कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ से हटा सकते हैं, एक एक करके आप हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको मैं हटा दिया, एक एक करके आप हटा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ चुका है किस तरह से आपको यूज करना है ये कन्वर्ट PSD टेम्पलेट। तो ये बहुत ही खास है, ये बहुत ही बेहतरीन है। और चलिए दोस्तों, मैं दूसरा एक कैप खोल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑटो ऑप्शन तो आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देखिए PSD टेम्पलेट। ठीक है, PSD टेम्पलेट आप इसको अगर ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका बहुत सारा पेज यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मॉक PSD टेम्पलेट बनाना है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए टेम्पलेट का ऑप्शन आ चुका है। ये पूरा आपका साइज है, इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका 8 इंची बाई 3.5 इंची का फाइल है। ठीक है, ये आपका मॉक प्रिंटिंग में ज्यादातर इसी साइज का इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे एक पेज ले चुका हूँ मैंने। और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, एक एट बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो पहले आप लोग वो बैकग्राउंड ले लेना है, फर्स्ट आपको बैकग्राउंड ले लेना है। तो बैकग्राउंड मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आपका ऑटोमेटिक आके यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये आपका बैकग्राउंड आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ऑटो फ्रेम लेयर, ये बहुत ही खास है, ये बहुत ही बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में मुझे, बहुत इसको बनाने में मुझे कम से कम 4-5 दिन लग गया। बहुत सोच समझ के मैंने इसको बनाया है, बहुत परेशान हो गया था। तो इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ आपका PNG फाइल, कोई भी PNG फ्रेम, जैसे कटआउट वाला PNG फ्रेम, JPEG वाला नहीं, PNG वाला फ्रेम आपको लेना है। यहाँ पे PNG वाला फ्रेम मैंने ढेर सारा दे दिया है, आपके पास भी अगर PNG वाला फ्रेम है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला PNG फ्रेम आपको देना है, तो ये PNG फ्रेम आपका खाली है, इसको आपको ओपन कर लेना है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको ओपन कर लेना है और ये ऑटोमेटिकली आपके ये PNG फ्रेम देखिए रेडी हो चुका है। ओके, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। और इसका देखिए आपका जो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम भी ऑटोमेटिकली बन चुका है। अगर मान लीजिए ये PSD टेम्पलेट को मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज।
जैसे मान लीजिए ये वाला पीएचडी टेम्पलेट, जो पीएचडी टेम्पलेट मैंने अभी डाला है आपका, जैसे मान लीजिए ये वाला पीएचडी टेम्पलेट मैंने डाला है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया और इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी और डब्ल्यू करके बंद कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका पीएनजी टेम्पलेट आता है। अगर पीएनजी टेम्पलेट इस तरह से आप लेना चाहते हो तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली में कितना टाइम लगता है आप देख सकते हो। तो इसको अगर फिल करना है तो आपको कैसे करना होगा, या फिर आप लेसर टूल के मदद से, जो पॉलीगॉन लेसर टूल है इसकी मदद से आप फिल कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्लिक करके, आप इसके अंदर क्लिक करके आप इसको भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक न्यू टेम्पलेट ले लिया, न्यू एम्प्टी लेयर ले लिया और इसको मैंने ब्लैक से फिल कर दिया, ठीक है। लेकिन ये आपका देखिए प्रॉपर तरीके से आपका देखिए ठीक से नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको जूम कीजिए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ्रेम है ये देखिए आपका इधर तक है, और ये जो फ्रेम मैंने ऑटोमेटिकली बनाया है इसका फ्रेम देखिए पूरा कवरेज है, ओके। तो इस तरह से आपको फ्रेम डिजाइन करना बहुत ही आसान बना दिया मैंने, बहुत ही अच्छी तरह से आप फ्रेम को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एक फोटो देख लेता हूँ, फ्रेम लगा के इसको दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये वाला फ्रेम अच्छा लग रहा है तो ये वाला फ्रेम दे देता हूँ। जैसे ये वाला फ्रेम है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली आके इसके अंदर लेयर भी इसके अंदर बन जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको सिंपली इसको पोजिशन सेट करना है, कहीं पे भी आपको रखना है, आपको कंट्रोल टी भी नहीं दबाने का जरूरत है, आपको सिर्फ एक कॉर्नर से इसको छोटा बड़ा करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और ये जितना भी आप छोटा बड़ा कीजिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा, यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आता है। इसको जितना भी छोटा बड़ा कीजिए इसका जो क्वालिटी है कभी भी फटने वाला नहीं है, ओके फ्रेंड्स। तो ये कम्प्लीट हो जाने के बाद मैं आपको फील करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया तो इसको छोटा करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके, यहाँ पे रख दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। और सिंपली आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। नॉर्मली फिल तो आपका फिल एनी सिलेक्शन आपका नॉर्मल वाला फिल हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक नया जो बटन है इसको ऐड कर दिया, फेदर मास्क, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये फेदर वाला एक टेम्पलेट आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको फिल करना है। जैसे मान लीजिए इसको मैं फिल करता हूँ, जैसे इसको एक ही को मैं फिल करता हूँ, एक दो तीन, चले तीनों को फिल कर लेते हैं, एक दो और तीन। और इसको मैंने ऑटोमेटिक फोटो फिल में क्लिक कर दिया और ये देखिए ऑटोमेटिक फिल होने वाला है। और यहाँ पे आपको तीन फोटो डालना है और कुछ भी नहीं करना है, खाली तीन फोटो सिलेक्ट करना है। जो फोटो आप ले रहे हैं वो फोटो आपका यूज फोल्डर के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मैं इसको कट करके ले लेता हूँ तो आपको पता लगेगा कौन सा फोटो आपका यूज हो चुका है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे एक दो और मान लीजिए एक दो और ये तीन, ठीक है, ये दे दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। सो गाइस यहाँ पे देखिए फिल हो चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो फोटो है और ये जो फोटो है इसको चेंज करना है। तो इसको क्लिक करके आपको चेंज करना तो आता ही है। यहाँ पे स्वाइप का फोटो का बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक स्वाइप हो जाएगा। और इस फोटो को एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर लीजिए, कहाँ पे आपको ऊपर नीचे कहाँ पे आपको रखना है वो एडजस्ट आप कर सकते हैं। जैसे ये आपका एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे आपका, और इस फोटो को आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइड में लेके चला आइए या फिर आप जो चाहे कर सकते हैं, इस तरह से आपको साइड में लेके आना है। तो ये आपका ऑटोमेटिक बन चुका है। और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आप रख देंगे तो यहाँ पे एक टेम्पलेट भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप पीएनजी क्लिपर्ड आप ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया और यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो इस तरह से आपको पीएनजी क्लिपर्ड ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है, खाली पीएनजी क्लिपर्ड आपको ऐड करना है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाला दे दिया और इसको सिंपली मैंने ओके कर दिया और ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। आपको खाली क्या करना है, इसको ब्लैक रखना है तो पूरा इसको ब्लैक कर दीजिए तो ब्लैक हो जाएगा, पूरा व्हाइट कर दीजिए पूरा व्हाइट हो जाएगा, जो चाहे आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला दे देता हूँ इस तरह से और इसको मैंने ओके कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने क्लिक करके और इसको मैंने छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकता हूँ, देखिए ये हो गया। इस तरह से आपको फील करना है। देखिए कितना आसानी से मैंने ये फ्रेम को बनाया है, आपके सामने मैंने फ्रेम बनाया, फ्रेम बना के इसको फील कर लिया, ठीक है।
अगर आपको इसको सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हो। जैसे इस फोटो को और इस फोटो को मैंने डिलीट कर लिया, और इस फ्रेम को हमको सिलेक्ट करना है, सेव करना है, इस फ्रेम को हमको सेव करके रखना है, तो इस सेव बटन को आपको क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाता है, और ये बाद में आप इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, ये सेव कहाँ पे होता है, यहाँ पे डी ड्राइव में आप खोलेंगे, डी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे तो डी ड्राइव के अंदर देखिए एल्बम वर्कबुक फोल्डर आएगा, यहाँ पे देखिए क्रिएट PSD हियर, यहाँ पे आपका देखिए ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, पहले से था, और जब भी आपका एक एक करके फ्रेम सेव होगा तो ये फोल्डर को आप खोलिएगा और इसका नाम सिर्फ आप चेंज कर दीजिएगा, इसका नाम आप 01 दे दीजिए, उसके बाद दूसरा भी फोटो आप जब सेव करेंगे तो आप उस नाम पे आ जाएगा, उसको खोल के आप 02 दे दीजिए, इस तरह से आपको सेव कर लेना, या फिर आपको उसको कट करके दूसरा जगह में शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए राउंडेड सेव है। ठीक है, इसको अगर मैं डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज है। राउंडेड रेक्टेंगुलर आपको क्लिक करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक कॉर्नर से सिर्फ आपको छोटा बड़ा करना है और इसको शिफ्ट कर देना है, बस हो गया। आपको यहाँ पे देखिए मैजिक राउंड सेव, मैजिक रेक्टेंगुलर, अगर मैजिक रेक्टेंगुलर मैं आपको दिखा देता हूँ मैजिक रेक्टेंगुलर क्या चीज है, इसको शिफ्ट करके आपको खाली यहाँ पे रखना है और इसको इस तरह से आपको रख देना है। ओके, मान लीजिए मैं इसको इधर पे रख देता हूँ और इसको मैं इधर पे रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं हटा दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, इस तरह से रख दिया, रखने के बाद इसको मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ, मैजिक PSD मैजिक जो फ्रेम है इसकी किस काम में आता है। इसको क्लिक करके आपको फोटो फिल में क्लिक करना है, इस तरह से फोटो फिल में क्लिक करना है, एक फोटो लेना है, कोई भी फोटो आप यहाँ से ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो मैंने ले लिया, चलिए ये वाला फोटो ले लिया, और यहाँ पे फिल हो जाएगा, लेकिन इसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये कलर आपका चेंज हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, इस तरह से आपका कलर चेंज हो जाता है। ओके, इस तरह से भी आप मैजिक PSD का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अंदर मैंने मैजिक PSD के अंदर देखिए मैजिक राउंड शेप दे दिया, मैजिक रेक्टेंगुलर दे दिया, ये दोनों आपका मैजिक वाला है। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल वाला है, ये वाला देखिए रेक्टेंगुलर शेप, इसके अगर क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर वाला एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा, इसको भी आप छोटा बार करके आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको रोटेट करके आप इसका चेंजेस भी आप कर सकते हैं, बहुत सारा डिजाइन भी आप कर सकते हैं, शिफ्ट और ऑल दबा के आप जो चाहे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को फ्रेम क्रिएट करना है। अगर मान लीजिए ये आपका साइज क्या दिखा रहा है, देखिए इसमें आपका साइज है 8 इंची बाई 3.5 इंची। ठीक है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया और ये फोटो को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो इस फ्रेम को मुझे करना है 12:36। इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए रिसाइज PSD, इसको क्लिक करेंगे तो आपका 12:36 का PSD एक ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से कोई भी साइज मेंशन करके आप इसको ओके कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली 12:36 का एक पेज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप छोटा पेज को आप बड़ा मत कीजिए, ये बहुत खराब लगता है, आप 9x24 या 12x18 का पेज को 12:36 बनाए तो बेहतर है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा साइज हो गया, इसको मैं Ctrl 0 करके इसको छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए 12:36 का पेज यहाँ पे बन चुका है। इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए साइज, ये आपका देखिए 12:36 का पेज टेम्पलेट बन चुका है 300 रेजोल्यूशन में। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आप लोगों को यूज करना है, और ये आपका और भी अच्छा अच्छा चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए इसको मैंने डिलीट कर दिया, और सिंपली मैं इसको और भी एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरह से फ्रेम क्रिएट करना है, इस तरह से मैंने फ्रेम क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैंने एक फ्रेम दे दिया और यहाँ पे मैंने एक फ्रेम दे दिया और यहाँ पे मैं और दो फ्रेम दे दिया। ठीक है, इस तरह से फ्रेम दे दिया, तो इसको आपको PSD टेम्पलेट बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको स्प्लिट लेयर को इसको क्लिक कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्प्लिट लेयर करके आपको एक टेम्पलेट बना के दे देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली आपका लेयर को पूरा टेम्पलेट बना के दे दिया, ये आप इसको मूव भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैंने मूव कर लिया, ये मूव भी हो सकता है, जो चाहे आप कर सकते हो, ये सभी आपका अलग अलग सेपरेट लेयर बन चुका है, इस तरह से आपको करना है। अगर मान लीजिए इसको बॉर्डर देना है तो इसको सिंपली आपको सारा लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए ऑल शेप ऑटो बॉर्डर, इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको इसके अंदर से आपको ऑटोमेटिक ये बॉर्डर इसका बन जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट कलर का बॉर्डर इसमें बन जाता है, तो यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर इसका बन चुका है, इस तरह से आपका बॉर्डर बना सकते हैं।
ओके, तो आई थिंक हम लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए इसको मैनुअली आपको बॉर्डर देना है, यहाँ पे मैनुअली बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैनुअली ग्रेडियंट बॉर्डर, इसको क्लिक करेंगे तो आपका मैनुअली एक ग्रेडियंट बॉर्डर आपका ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली इसको छोटा बड़ा करना है, यहाँ पे 30 दे दीजिए। 30 देने के बाद इसको आप ओके कर दीजिए, या फिर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से कोई भी कलर। यहाँ पे आप कलर चेंज करके इसको ओके कर देंगे तो इसका कलर का आपका फ्रेम बन जाता है, देखिए है ना मजेदार। तो इस तरह से आप लोगों को PSD टेम्पलेट क्रिएट करना है, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपका ये वाला आपका ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ इस तरह से आपको यूज करना है, ऑटो करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको बहुत सारा फाइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके मैं आखिर तक पूरा दिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, यही आपका ट्रेनिंग वीडियो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक फोटो ओपन कर लेता हूँ, ये वाला फिलहाल मैं फोटो एक ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस ये हम लोग का फोटो ओपन हो चुका है, तो ये देख सकते हैं ये आपका रॉ फोटो है, मतलब इसका कोई कलर करेक्शन अभी तक किया गया नहीं है और ये मैंने ही खींचा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये निकॉन 7000 जो कैमरा आता है उसके हिसाब से मैंने इसको खींचा है, ठीक है। तो इसको कलर करेक्शन फर्स्ट इसको कलर करेक्शन करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे डार्क ऑटो कलर करेक्शन प्लस पॉप, ठीक है। ये आपका डार्क मतलब ये नहीं कि डार्क फोटो ही करे, ये आपका लाइट फोटो भी कर सकता है, डार्क फोटो भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपका ये ऑटोमेटिकली आपका कलर करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पैनल दिखाई देगा इस तरह से, तो आपको इसको थोड़ा सा कम कर लेना, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 17 कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कलर करेक्शन का एक ह्यू सजेशन का ऑप्शन आ गया, तो इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 35 और इसको मैंने कर दिया ओके। तो इसको होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे देखिए फिनिश वर्क है, इसको आपको क्लिक कर लेना है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इसका आपका सेट हो जाता है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको थोड़ा सा लाइट कलर करेक्शन अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए लाइट का ऑप्शन है 20% लाइट, इसको आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपका लाइट इसके अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइट बढ़ गया, तो उसके बाद भी आपको कर लेना है फिनिश। फिनिश करने के बाद आप यहाँ पे आपका सभी काम हो चुका है, यहाँ पे देखिए एडवांस रिटच लिखा हुआ है, सॉफ्ट रिटच लिखा हुआ है, हार्ड रिटच लिखा हुआ है, मैनुअल स्किन रिटच लिखा हुआ है, स्मूथ सॉफ्ट स्किन, स्मूथ हार्ड स्मूथ स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हार्ड रिटच जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ आपका एक ब्रश आपका ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना और ब्रश का जो साइज है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपको इसको स्मूथ कर लेना है। देखिए यहाँ पे डिटेल्स भी आपका दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से आपका डिटेल्स भी आ रहा है और इस तरह से आपका डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको डिटेल्स कुछ भी खराब नहीं होगा, बहुत ही आराम से आपका डिटेल्स बन जाता है, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने क्लिक कर दिया और इस तरह से मैंने खाली आपको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको ड्रॉ करना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली आपको ड्रॉ करना है। देखिए मैं यहाँ पे खाली ड्रॉ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और ये देखिए आपका ये मैंने ड्रॉ कर लिया और ये आपका हो चुका है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको आपको ज्यादा लग रहा है, इसका जो फिनिशिंग है ये बहुत ही ज्यादा लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पैनल खोलना है और इसका जो ऑपेसिटी है आपको इसको कम कर देना है, ठीक है। 75% या 70% रख के इसको आपको कर लेना है फिनिश, ठीक है। फिनिश करने के बाद ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है इसका, और इसके अंदर जो बैच प्रोसेसिंग है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, उसके पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेकअप प्रो लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है, इस तरह से आपका मेकअप का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको मान लीजिए इसको शार्पनेस करना है, आप कुछ भी चीज यहाँ से शार्पनेस कर सकते हैं एक ही बटन से। जैसे मान लीजिए इसको मैंने क्लिक कर लिया तो इस तरह से आपका एक शार्पनेस का ऑप्शन आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ब्रश सिलेक्ट हो जाएगा, आपको इसको इसके ऊपर सिर्फ ड्रॉ कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, खाली इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है और ये आराम से आपका देखिए डिटेल्स आपका आ जाता है, ओके। तो इस तरह से आपका डिटेल्स लाना होता है, और यहाँ पे आंखों के ऊपर आपको थोड़ा सा दे देना है और यहाँ पे होंठों के ऊपर थोड़ा सा आपको दे देना है। तो ये देखिए डिटेल्स आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। जैसे ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी के ऊपर आपको डिटेल्स लाना है तो इसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है, तो आपका डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाता है, ओके फ्रेंड्स।
तो आई थिंक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ये आराम से आपका ये हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक इमेज ये लग रहा है। और इसका हेयर को आपको अगर डिटेल्स थोड़ा सा ज्यादा देना है तो इसको भी आप थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का हल्का ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है तो सभी चीज आपका ड्रॉ हो चुका है, और यहाँ पे जो डिटेल्स दिखाई दे रहा है इसके ऊपर भी आप ड्रॉ करेंगे तो इसका जो मेहंदी का जो कलर है ये आपका और भी ज्यादा दिखाई देगा अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। अभी मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, गो बैक इसको क्लिक कर लेंगे तो ये आपका पहले जो इमेज था वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये आपका पहले वाला इमेज है, और अभी मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा, ये देखिए अभी ये अभी वाला इमेज है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, कंट्रोल जेड दबा दिया, ये देखिए पुराना इमेज है जो पहला मैंने खींचा था, जो रॉ फोटो है उसका इमेज है। और जब ये प्रोसेसिंग करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद ये इमेज है, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। करने के बाद आपको इसको यहाँ पे फिनिश में क्लिक कर लेना, तो ये आपका ऑटोमेटिक फिनिश हो चुका है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, ये फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है, अगर इसका कलर आपका हेयर कलर आपका चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं आपका हेयर कलर मैजेंडा, ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से एक ब्रश आ जाएगा। आपको सिर्फ इसको ऊपर ड्रॉ कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, खाली इसको ब्रश का आपको छोटा बड़ा कर लेना है और इसके ऊपर आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको ड्रॉ कर लेना है। और इसका जो कलर आपको ज्यादा कम ज्यादा करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। जैसे इस तरह से मैंने आप लोगों को कर करके दिखा दिया, तो इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो इसको आपको यहाँ पे लेयर पैनल खोलेंगे और इसका ऑपेसिटी आपको कम कर लेना है, 60 या 70% आपको कम कर लेना है, ठीक है। करने के बाद इसको कर दीजिए आप फ्लैटन, मतलब इसका यहाँ पे देखिए फिनिश वर्क है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो ये आपका हो चुका है। होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिप कलर चेंज, अगर ये लिप का जो कलर है इसको भी आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और यहाँ पे जो लेसो टूल है, पॉलीगॉन लेसो टूल है, इसको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए जो आउटलाइन है, आउटलाइन को सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, सिंपल सा काम है, खाली आउटलाइन को आपको सिलेक्शन करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आउटलाइन है, और यहाँ से शिफ्ट को पकड़ के रखते हुए ये बाहर का जो पार्ट है इसको भी मैंने सिलेक्शन कर लिया। ये मैं राफली आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको कीजिएगा तो और भी अच्छा होगा। ये देखिए ये हो गया सिलेक्शन। होने के बाद आपको क्या करना है, लिप कलर चेंज को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आएगा उसके ऊपर आपको इसको सिर्फ आपको ये जो ह्यू का जो पार्ट है इसको आपको इधर उधर मूव कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, खाली इसको इधर उधर मूव कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया और इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये देखने को लग रहा है। और ये मैं आपको इसको लेयर पैनल को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इस तरह से था, अभी इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आपको कलर तप्पड़ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये राउंड कलर का, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और फिर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके, जूम आउट करके करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है इस तरह से। और आपको अगर कलर कम ज्यादा करना है तो यहाँ पे आप कलर कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए पहले वाला इमेज, देखिए इस तरह से आपका कलर है, अभी देखिए इस तरह से आपका कलर है, ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको वही चीज फिनिश वर्क में क्लिक कर लेना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका आई शेडो पिंक कलर और आई शेडो ग्रीन कलर। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का मुझे ठीक नहीं लग रहा तो यहाँ पे मैं आई शेडो पिंक कलर का इसको क्लिक कर लेता हूँ। और सिंपली आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना है और इसका जो ब्रश आ जाएगा, ब्रश को आपको सिंपली इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको सिंपली इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपका मेकअप भी करके दे रहा है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर इसको कम ज्यादा करना है तो आप इसको सिंपली आपको इसको थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर इसका कलर भी चेंज करना है तो इसको खोलिए, इसके अंदर ये राउंड कलर का जो बटन है इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। तो मैं फिलहाल इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे जैसा है वैसे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपली आपको फिनिश वर्क में क्लिक कर लेना है, ओके। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे देखिए लूज, जो गालों के ऊपर जो लूज होता है वो कलर भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और आपको सिंपली इसको ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसका जो फ्लो है ये आप कर लीजिए 10%, ठीक है। 10% करके इसके ऊपर थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा दे दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा दे दीजिए।
ठीक है। अभी आप देखिए इसका चेंज, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपका दिखाई देगा। ओके, उसके बाद आप इसको फिनिश वर्क में क्लिक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे देखिए टीथ, व्हाइट टीथ, यहाँ पे तो टीथ आपका फिलहाल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आंखों का जो व्हाइट का कलर है उसको मैं व्हाइट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका कंटिन्यू आएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा, और इसको मैं थोड़ा सा और भी, और इसका ओपेसिटी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसका जो ओपेसिटी है इसको पूरा फुल कर दीजिए, और इसको और भी छोटा कर लीजिए। जहां पे आपको व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, ठीक है, हल्का सा खाली ड्रॉ करना है। अब देखिए इसका आंखों के ऊपर आप नजर रखिए, तो देखिए आंखों के ऊपर ये आंखों का जो चमक है ये बढ़ गया है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, करने के बाद आप इसको कर दीजिए फिनिश वर्क। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईब्रो, ठीक है, आईब्रो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आईब्रो, अगर कभी कभी देखते हैं आप काला रंग का नहीं आया है फोटो का खींचने के तरीके से, आपका लाइट करेक्शन का ठीक ठाक नहीं आता है, उसके वजह से आईब्रो आपका काला दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो ब्रश आता है छोटा बड़ा कर लीजिए, और इसके ऊपर आपको खाली ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, यहाँ से आपको ड्रॉ कर लेना है। अगर आप इसको छोटा करके, अगर आप काजल भी देना चाहते हैं तो इसको छोटा कर सकते हैं, एकदम छोटा कर दीजिए। छोटा करके इसके ऊपर देखिए काजल भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल काजल लगा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने इस तरह से कर दिया, तो ये अगर मान लीजिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से आपका वर्क कंप्लीट होता है। इसको मैं फिनिश वर्क में क्लिक कर लेता हूँ, और ये आपका कंप्लीट काम हो चुका है। ओके, तो अभी मैं बिफोर आफ्टर आपको दिखाऊंगा, तो उससे पहले मैं गो बैक में नॉर्मल में जाता हूँ, जैसे पहला था वो फर्स्ट टाइम में जो था वो चलाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए ये आपका एकदम आपका रॉ इमेज है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट किया गया नहीं है। अभी मैं आपको कंट्रोल जेड दबा के आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से। ओके, है ना मजेदार, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए इस तरह से एडिट करके आप पार्टी को देंगे तो बहुत ही खुश हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ये टेक्निक है। ओके, तो उसके होने के बाद आपको फिनिश वर्क में क्लिक कर लेना है, और इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है, जहां पे आपको इच्छा हो आप सेव कर लीजिए, काट के इसको यस कर दीजिए, जो चाहिए आप कर सकते हो। तो ये काम आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद का जो पार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखिए स्काई रिप्लेसमेंट और ये जो पासपोर्ट मेकर है ये मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो ऑटो करेक्शन में मैंने ये बताया था बैच प्रोसेसिंग, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, ये आपका बंद हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा इसके मदद से आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बैच प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। आप जब इसको क्लिक करेंगे इस तरह से, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आपका एक बैच प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, सिलेक्ट फोल्डर में चूज करना है, और यहाँ पे आपका जो फोटो है, पहले से आपको फोटो यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डी ड्राइव में जाएंगे, आपका डी ड्राइव में जाके एल्बम वर्क में जाएंगे, यहाँ पे देखिए रॉ फोल्डर आपका एक आएगा, फाइनल फोल्डर आएगा, ठीक है, फाइनल आपका खाली रहेगा। रॉ फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे 10 फोटो इसके अंदर डाल के रखा है, जैसे मैं यहाँ पे 10 फोटो यहाँ पे मैंने डाल के रखा है। तो यहाँ पे आप 1000 फोटो, 2000 फोटो, 10000 फोटो जो चाहे डाल सकते हो, ठीक है। 10 फोटो डालने के बाद मैं इसको ओपन कर दिया, बंद कर दिया, और यहाँ पे जो ऑप्शन आया था इसको क्लिक करने के बाद, इस फोल्डर को क्लिक करके मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए रॉ वाला फोल्डर है, इसको क्लिक कर दूंगा, जो डी ड्राइव के अंदर एल्बम वर्क के अंदर रॉ वाला फोल्डर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके डी ड्राइव के अंदर जो फाइनल वाला फोल्डर है इसको क्लिक कर देते हैं। आप किसी भी जगह में कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये फोल्डर बना के दे दिया आपके पास, आप खुद भी फोल्डर बना के डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको फाइनल वाला जो इसको क्लिक कर दिया, आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 12 तक देना है, और यहाँ पे सिंपली आपको देखिए रन एक्शन, इसको ये चेकमार्क नहीं रहेगा, आपको चेकमार्क कर लेना है, और यहाँ पे ACC बोल के एक ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल फोटो है, ठीक है। अगर नॉर्मल आउटडोर फोटो है, कलर आपका नॉर्मली ठीक ठाक है, तो नॉर्मल फोटो आप यूज कीजिए। अगर आपका बहुत ही डार्क वाला फोटो है, बंच वाला डार्क वाला फोटो है, तो आप डार्क वाला फोटो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल वाला यूज कर लाओ, और यहाँ पे कॉपीराइट आप कोई भी चीज दे सकते हैं, आपका स्टूडियो का नेम भी दे सकते हैं, और सिंपली आपको इसको रन में क्लिक कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको ये कलर करेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले डी ड्राइव में आप जाएंगे,
डी टाइप में जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक एल्बम वर्क में क्लिक करेंगे, फोल्डर को खोलेंगे और यहाँ पे रॉ वाला जो फाइल था इसके अंदर है और यहाँ पे देखिए फाइनल वाला जो इमेज है इसके अंदर आपका आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और एक फोल्डर जो रॉ वाला फोल्डर है उसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये चेंज हो चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये वाला फोल्डर, इसका फोटो, ये फाइनल फोल्डर है, इसका फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये आपका जो हम लोग जो अभी ये बनाया है, जो इसको स्मूथ किया है, इसका देखिए आपका कलर कॉम्बिनेशन जो ये बहुत ही बरकरार दिखाई दे रहा है। और इसका जो पुराना वाला जो इमेज है, जो इसका रॉ इमेज है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका देखिए आपका कलर थोड़ा सा कम है और इसमें डिटेल्स भी थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा काला है इसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काला है और यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बहुत ही आराम से ये आपका कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कलर करेक्शन करना है बहुत ही आसानी से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको ये वाला तो आपका कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊंगा जो स्काई रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं और पासपोर्ट फोटो कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखाना पड़ूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ये लास्ट जो दो वाला है ये भी दिखा देता हूँ। ये स्काई रिप्लेसमेंट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट, बैकग्राउंड चेंज वगैरह वगैरह सब कुछ है, ऑयल पेंटिंग का ऑप्शन भी है। तो पहले मैं एक फोटो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो है या फिर आप ये वाला फोटो, कोई भी फोटो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला फोटो ले लिया और इसको ओपन कर लिया। अब इसके अंदर फोटो आपका आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको करना है। जैसे इस तरह से आपका फोटो आ चुका है तो आपको सिंपली यहाँ पे देखिए स्काई रिप्लेसमेंट का इसको बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्काई कहाँ पे आपको रखा है वो पूछ रहा है, इसमें जाइए आप, यहाँ पे बैकग्राउंड में जाइए और यहाँ पे देखिए आपका स्टूडियो बैकग्राउंड है तो इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए स्काई रिप्लेसमेंट है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे ब्लू कलर में जाइए, ब्लू कलर का जितने भी स्काई है यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, कोई भी एक कलर का आपको स्काई आपको देना है तो आप वो स्काई आपको चूज करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे ये वाला स्काई आपको देना है तो ये वाला स्काई मैंने चूज कर लिया, इसको ओपन कर लिया तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर आके बैठ जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज करना होगा, इसका जो स्काई का जो पार्ट है आपको जो दिखाएगा तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्काई का जो फोटो मैंने डाला है इस तरह से आपका आएगा, आपको सिर्फ यहाँ से आपको लेके आना है जो आपका हॉरिजॉन्टल जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसके यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डाल लिया, डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको एंटर मार देना है। तो इस तरह से आपका एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट को पकड़ के रखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे लेके आना है और इसको आपको ये जो फजीनेस दिखाई दे रहा है इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से लेके आना है, काला करना है, जो सब्जेक्ट है इसको काला रखना है और बाकी जो एज है आपका यहाँ पे व्हाइट रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। करने के बाद आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका एक ब्रश आ जाएगा, ब्रश आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखें, यहाँ पे देखिए यूज ब्रश ऑपेसिटी 72%, इसको ओके कर दीजिए और ब्रश का जो ऑपेसिटी है आप 72% आप कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो ब्रश है आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और जहाँ पे आपका कमीज के ऊपर जो रह गया है इसके ऊपर आपको सिर्फ ड्रॉ कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, खाली इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है और आपका ये इमेज रेडी। ओके, इस तरह से आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपका स्काई रिप्लेसमेंट हो चुका है। तो इसको मैं आपको बंद कर देता हूँ और दूसरा वाला एक इमेज आपको लेके दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड चेंज आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले आपको जाना है डी ड्राइव में, डी ड्राइव में जाके कोई भी एक इमेज आप ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक फोटो ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो हम लोग ले लिए। ठीक है, ये फोटो ले लिया, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको बैकग्राउंड भी चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह से देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे एक मैजिक क्विक सिलेक्शन टूल है इसको सिलेक्ट रखना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसके ऊपर आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर खाली आपको ड्रॉ कर लेना है। ये पूरा कंप्लीट आपका ड्रॉ हो चुका है,
ये इस तरह से आपको पूरा बाहर का जो पार्ट है इसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है, ये ग्रीन कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑपेसिटी मांग रहा है फेदर, तो यहाँ पे आप 1.5 दे दीजिए। देने के बाद इसको ओके कर दीजिए और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा बैकग्राउंड आपका कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन योर बैकग्राउंड फोटो, तो इसको आपको क्लिक करना है, ओपन करना है और जहाँ पे आपका बैकग्राउंड रखा हुआ है वो बैकग्राउंड का पार्ट आप यहाँ पे खोल लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे स्टूडियो वाला जो बैकग्राउंड है इसको खोल लिया और यहाँ से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड मैं देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड मैं देना चाहता हूँ, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको कुछ भी नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। आपके पास एक ब्रश आ जाएगा और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करना है, ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप ब्लर कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, ये जीरो भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके पास एक ब्रश आ जाएगा, ब्रश को आपको सिंपली इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे लेके आइए, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये हो चुका है। ठीक है, इसको छोटा कर लीजिए और जहां जहां आपको बैकग्राउंड व्हाइट दिखाई दे रहा है सिर्फ वहां पे आपको ड्रॉ करना है, जहां पे आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है सिर्फ उसी जगह में आपको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपका नीचे चला आइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ओके, तो ये हो गया आपका, ये बैकग्राउंड आपका लग चुका है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको ओके कर दीजिए और इस लीवर को आपको सिर्फ इधर उधर घुमाना है, इसका कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कलर चेंज हो रहा है, इसे कलर बढ़ा भी सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड का जो लाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको क्लिक कीजिएगा तो बैकग्राउंड का जो लाइट है यहाँ पे आ जाएगा, ओके कीजिएगा। अब इसको लाइट कम ज्यादा भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लाइट कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बैकग्राउंड चेंज आपका हो चुका है। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लोगों को करना है और सिंपली इसको फिनिश वर्क में क्लिक कर दीजिए तो ये फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बैक में जाके आपको दिखा देता हूँ, पहले इस तरह से था, अभी आपका इस तरह से हो गया। तो फ्रेंड्स, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसके यहाँ पे एक ये जो लास्ट वाला जो है ये ऑयल पेंटिंग, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे डी ड्राइव में जाके मैं कोई भी एक इमेज आपको दिखा देता हूँ। डेमो में जाके मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये वाला इमेज, इसको मैंने ओपन कर लिया और इसको मुझे करना है आपका ऑयल पेंटिंग। ठीक है, इसको फोटो आप ले लीजिए और यहाँ पे आपका जितना भी पिक्सल का आपका फोटो को ऑयल पेंटिंग करना है वो फोटो आपको दबाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 पिक्सल का फोटो का आपको करना है तो इसको दबाते ही ऑटोमेटिकली ये 1000 पिक्सल का ही बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको खाली बैठा रहना है और थोड़ी देर आपको वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देगा ऑयल पेंटिंग। ठीक है, बिना कोई ऑयल पेंटिंग के आपका ऑयल पेंटिंग बन रहा है बहुत ही आसानी से। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसानी से आपका एक ऑयल पेंटिंग इसके अंदर बन चुका है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से आपका ऑयल पेंटिंग भी बन जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर आपको इसको और भी इसको कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेयर पैनल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप इसको ऑपेसिटी आपका इसका कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जो बूस्ट का ऑप्शन है इसको आप बंद कर देंगे तो इस तरह से आपका ऑयल पेंटिंग दिखाई देगा, है ना मजेदार। तो इस तरह से आप ढेर सारा चीज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, ये हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, फिनिश वर्क में क्लिक कर देना है तो आपका ये जो ऑयल पेंटिंग है ये रेडी हो चुका है। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। और एक मैं आपको लास्ट वाला जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पासपोर्ट वाला, इसको मैं क्लिक कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं पासपोर्ट, मेरे पास कोई फोटो नहीं, इसको मैं पासपोर्ट बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे फोर कॉपी B2 साइज 4x6 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक इसको कंट्रोल जे 0 दबाएंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाता है। और इसको यहाँ पे छोटा कर लीजिए, ये इमेज बहुत ही छोटा है इसलिए ये बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको साइज में आपको ढाल देना है और इसको आपको सिंपली एंटर कर देना है और कुछ नहीं करना है, सिंपली एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद और अब इसका देखिए ऑटोमेटिकली ये 4 फोटो बन जाएगा। ओके, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 4 फोटो ऑटोमेटिक बन के आ गया।
और इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ बैक टू नॉर्मल, जो फोटो था पहले वैसा हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे चार कॉपी देखे, यहाँ पे बहुत सारा चीज है, आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नेम एंड डेट के साथ है, तो चार कॉपी इसको क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका फिर से आपका इतना बड़ा साइज का आपका आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा इमेज के साइज में अच्छा ये होता है, जो स्टूडियो में फोटो खींचा जाता है उसके अंदर करेंगे तो और भी बेहतरीन इसको दिखाई देगा। ठीक है, इसको जूम करेंगे और इसमें सिर्फ आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको एक फाइल दिखाई देगा। फाइल दिखाने देखने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको कंट्रोल जीरो दबाना है, कंट्रोल जीरो। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम खाली चेंज कर देना है, जैसे ये मैं नाम लिख दिया और यहाँ पे मैंने डेट टाइप कर दिया, जैसे आज का डेट है जैसे 20/7/2020। ठीक है, इसको करने के बाद आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली आपका चार फोटो आपका नाम के साथ, चार फोटो नाम बिना नाम के साथ, ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं दूसरा एक इमेज आपको दिखा देता हूँ। इसको फिट टू स्क्रीन कर लेंगे, बैक टू नॉर्मल कर लेंगे और यहाँ पे देखिए आठ फोटो पासपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ, इसको क्लिक करेंगे तो आठ फोटो आप पासपोर्ट बना सकते हैं। इसको छोटा बड़ा कर लीजिए, कितना साइज आपको लेना है, और इसको सिंपली आप इंटर कर दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको A4 4x6 जो पेज है उसके अंदर आपको आठ फोटो देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आपको करना है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आप लोगों को करना है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और ये सॉफ्टवेयर आपको अगर चाहिए तो इसका प्राइस है केवल 999 रुपया में ये आपको मिल रहा है, बहुत ही चीप प्राइस में, इतना सस्ता में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ जो डेटा मिलने वाला है वही बहुत है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको इतना जो इजी वे में ये सॉफ्टवेयर आपका काम करता है आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतना आसान है, आपका काम करने का तरीका और भी फास्ट कर देगा। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे देखिए नंबर शो हो रहा है, और वीडियो के कहीं पे भी देखिए मेरा नंबर शो होता है, तो उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करना है, किस तरह से लेना होगा आप व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको इसको पे करना है और इसको आपको कैसे लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक में मैं लेके आऊंगा बहुत सारा PhD टेम्पलेट आप लोगों के लिए बन रहा है, वो रेडी हो रहा है, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ एकदम फ्री में। ठीक है, फ्री में आपको PhD टेम्पलेट मिलेगा, बैकग्राउंड टेम्पलेट मिलेगा, वेडिंग टेम्पलेट मिलेगा, उसके बाद आपका मॉक टेम्पलेट मिलेगा, बहुत सारा चीज आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो मेरा चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।